नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। महमूद सेठ की 13वें पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह परिवार से मिलने पहुंचे गोगावा। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिला खरगोन तहसील गोगावा की, जहां 4 फरवरी को समाज सेवी एवं कांग्रेस के दबंग नेता हाजी महमूद सेठ का निधन हो गया था। महमूद सेठ वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस के दबंग नेता थे, जिनके निधन के बाद गोगावा उनके गृह निवास पर बैठने एवं परिवार से मिलने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों परिचित पहुंच रहे हैं। महमूद सेठ के निधन के 13 दिन बाद गुरुवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व सांसद अरुण यादव, विधायक झूमा सोलंकी तथा विधायक केदार डाबर सहित कई कांग्रेसी नेता भी महमूद सेठ से मिलने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि गोगावा के महमूद सेठ हमारे भाई समान थे, जिनके साथ मेरा 40 वर्षों से रिश्ता रहा है। पहले उनके मजले बेटी का निधन हो गया था, उसके बाद महमूद सेठ का निधन हो गया है, इसलिए सेठ के परिवार से मिलने आए हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उमा भारती द्वारा मध्य प्रदेश में शराब बंदी को लेकर बात कही गई थी। इस पर उन्होंने बताया और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को उनकी बात माननी चाहिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बहुमत पर एवं कांग्रेस के समर्थन करने की बात को टाल दिया। साथ ही उनसे कमलनाथ सरकार में ऋण माफी में खरगोन जिले की गोगावा तहसील के किसानों के साथ हुए पक्षपात की बात पूछी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई किसान नहीं छूटा है। आप पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव से पूछ सकते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट है। इसके बाद दिग्विजय सिंह का काफिला मोहम्मदपुर के लिए रवाना हुआ, जहां हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर उनका काफिला बुरहानपुर के लिए रवाना हुआ। जो हमारे पापा का 13वां था, सुद्दे से राजा साहब आए थे भेटने, और उनकी मतलब बहुत गहरी दोस्ती थी राजा साहब से। उनके साथ में अरुण यादव जी, झूमा सोलंकी जी, केदार डावर, ऐसे बहुत सारे और भी दीगर नेता आए थे, और गांव के भी बहुत सारे लोग हमारे साथी थे, हमारी बहजारी थे और दूसरे नेता भी थे। क्या नाम है आपका? मुबारक महमूद सेठ। गावा में हमारे महमूद सेठ हमारे भाई समान थे, और हम लोग कम से कम 40 साल का हम लोग का रिश्ता रहा। पहले तो उनका बेटा चला गया, फिर खुद चले गए। मुझे बड़ा दुख है। भोपाल की सांसद, उनमें शराबबंदी की बात करी है, प्रज्ञा साधु ने, कि शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए। उमा भारती भी चाह रही है, वो भी चाह रही है, बुरहानपुर जाना है, इसलिए मैंने माफी मांगी। कमलनाथ की सरकार में ऋण माफी दे रहे किसानों का, इसमें खरगोन जिला क्यों नहीं छूटा है? इधर किसी का माफ नहीं हुआ है, सभी दूर दो दो लाख का माफ है, बिल्कुल माफ हुआ है। आप सचिन को तो पूछे, सचिन के पास तो पूरी रेंज भेजते हैं। गोगावा से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।